अस्सलाम वालेकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और सब्जियां डालते हैं इसमें। मिक्स वेजिटेबल की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन वो हमने कुकर में बनाई थी। आप लोगों के कमेंट्स आए कि हमें या पॉट में या कढ़ाई में बनाकर दिखाएं। तो सबसे पहले हमने एक गोभी का फूल ले लिया है, 300 ग्राम का है, और हमने उसको तोड़ लिया है इस तरीके से, थोड़ा छोटा बड़ा तोड़ा है और हमने उसको धो लिया है। वहीं हमारे पास है ये 300 ग्राम गाजर, उसे भी हमने छील के कट कर लिया है और उसको भी धो लिया है। वहीं हमारे पास है ये आधा किलो आलू, उनको भी आप धो लें और जिस शेप में आप चाहें उनको उस शेप में काट लें। 100 ग्राम हमारे पास फ्रेंच बीन्स है, दोनों साइड से हल्का हल्का काट के, और आप इस तरीके से थोड़े छोटे या बड़े काट सकते हैं। और वहीं हमारे पास ये 100 ग्राम है लोबिये की फली। लोबिये की फली के साथ आप ले सकते हैं सेम की फली या कोई और अपनी मर्जी का या फिर मौसम का जो भी सब्जी आपको मिल जाए आप वो ले लें। वहीं हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मटर, ये हमारी वही फ्रोजन मटर है जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। इसे रखे हुए हो गए हैं 6 से 7 मंथ, आप देखें। बस इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और सीधी हम इसको भी इसमें डाल देंगे। तो इसे हम साइड रखते हैं, हमने एक पॉट चढ़ा दिया है और उसमें डाल दें 1/4 कप ऑयल, इतना वो गर्म हो जाएगा। तो एक मसाला तैयार करते हैं, दिखाते हैं आपको। 100 ग्राम पनीर ले लिया है हमने, इस तरीके से इसको कट कर लिया है और यहीं पर ही ऑयल है, तो बस हम ये उसमें डाल देते हैं पीसेस। इतना हम आपको और इन्ग्रीडियंट दिखाते रहेंगे तो ये सिक जाएगा। 1/4 कप ऑयल ले लिया है हमने, तो हम ये सब पीस डाल देते हैं। बहुत ही कम सेकेंगे हम ये, आधा मिनट इधर से और आधा मिनट इधर से। तो बस फटाफट आप देखें कि हमारे पास ये 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस की जगह आप इसको कर सकते हैं फाइन चॉप। कद्दूकस किस तरीके से करें आप हमारे समीनास किचन टिप्स पर, हमने 4-5-6 चीज़ें कद्दूकस करके दिखाई हैं, वो आप देख लें। 1 टेबल स्पून हम इसमें ये ओनियन पेस्ट डाल देते हैं, इसकी जगह आप फाइन चॉप ओनियन डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डाल देते हैं, और 1 टीस्पून भी डाल देते हैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं ये साबुत वो पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है और इसमें लगता है अच्छा। और हम डाल देते हैं 2 टीस्पून इसमें ये रेड चिली पाउडर। बस मसाले के नाम पे यही जाएगा, छोंकने के लिए हमें चाहिएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसमें जो मेन जाएगा वो है हमारा ये धनिया ज़ीरा मसाला पाउडर। ये हमारे समीनास किचन टिप्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। सब्जियों के अंदर आप इसे ज़रूर से यूज़ करें, दाल के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें, आपका ये जायका ही बदल देगा। तो बस छोंकते हैं, निकालते हैं उसमें से पनीर को। ये देखें ये हमने सेक लिया है, इसे हम निकाल देते हैं। और बस ऑयल गर्म है, फटाफट ही हम इसमें डाल देते हैं ये ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा चटकता है फ़ौरन ही ये मसाले डाल देते हैं और टमाटर भी, और करते हैं इसको मिक्स। 3-4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, 50 ml पानी डालते हैं और फिर से भूनते हैं मसाला। मसाला अच्छा भून जाएगा तो बस समझो जो भी हंडिया आप बना रहे हैं वो बनेगी लाजवाब। थोड़ा सा पानी डालते हैं तो मसालों का अरोमा निकल कर आता है और भी अच्छा। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट हो गई है मसाले को भूनते हुए, मसाले की आप आवाज़ सुन सकते हैं और इससे ऑयल निकल कर बाहर आ गया है। बस ये चाहिए था हमें, ऐसा ही ऐसा चटका हुआ मसाला चाहिए था। और आप अब हम डाल देते हैं इसके अंदर ये मटर जो हमने डाल दी थी पानी में, और हमने एक पानी निकाल दिया था और अब इसको पानी से बाहर निकाल दिया है और ये मटर डाल देते हैं। जो आपको सारी सब्जी दिखाई थी वो सारी सब्जी इसमें डाल देते हैं। और आप इसमें डाल रहे हैं हरी मेथी तो वो भी इसी के साथ कट कर लीजिए, 100 से 150 ग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी तो वो हम ये थोड़ी सी पक जाने के बाद डालेंगे। ये जो हमारा रोस्टेड मसाला है ये हम अब डाल देते हैं। हम डालते हैं इसमें जायके के मुताबिक नमक, या फिर हम डाल लेते हैं इसमें ये 2 टीस्पून नमक, और इसको करते हैं पहले मिक्स अच्छे से। जब मसाला इसको कवर्ड हो जाएगा तब हम इसको पानी डाल के गलने के लिए छोड़ेंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी भूनते हैं हम सब्जी को इसके साथ। बस 2 मिनट भून लिया है हमने इसको, मिक्स भी कर लें और इसको भून भी लें। अब डाल देते हैं हम इसमें पानी, ये देखें हम इसमें डाल देते हैं 300 ml पानी, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए। और जैसे ही ये खुश्क होती है और आती है भुनाई पर दिखाते हैं आपको।
ये भी हम ऐड करेंगे। 3 मिर्च हैं जो फ्रिज में पड़ी हुई रेड हो जाती हैं, फ्रेश रेड चिली कह सकते हैं इसको, तो ये भी हम छोड़ देते हैं अभी यहीं। इसको डालेंगे हम कसूरी मेथी के साथ, पकने देते हैं सारा पानी खत्म हो जाने तक या फिर ये सब सब्जियां गल जाने तक। हाँ, इसको बीच में एक बार हम चलाएंगे जरूर। 5 मिनट हो गई है पकते हुए, ये देखें, बस इसको हम पकने देते हैं जब तक ये पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता है, फिर से कवर कर देते हैं। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया हमने, जैसे ही पानी खुश्क होता चला तो हमने इसको स्लो फ्लेम पर कर दिया, और आप देखें अभी भी इसमें यहाँ थोड़ा सा पानी है। इस वक्त हम डाल देते हैं इसको, 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पर हो गई है। 2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी है, ये जो आपको रेड चिली दिखाई थी ये डाल दी है, और बस इसको करते हैं मिक्स। ये देखें अभी भी ये स्लो फ्लेम पर है, लेकिन अभी हम इसको पका लेते हैं मीडियम फ्लेम करके, थोड़ा सा हम इसे भून लेते हैं, और भूनते ही भूनते ही हो जाएगा तैयार। तो हमने इसका कर दिया है मीडियम फ्लेम, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो बस इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाएं इस वक्त, क्योंकि हर सब्जी बहुत अच्छे से गली हुई है, तो बस इसको भून लेते हैं। ये इसमें आवाज़ आने लगी हाथों हाथ ही, इसमें ज़्यादा देर है भी नहीं भूनने में, तो पकाते हैं इसको 1 मिनट। और हाँ, इसमें डाल देते हैं ये थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा डालते हैं जब डिश आउट करते हैं तब। तो 1 मिनट हो गया है और इसमें से आ रही है बहुत तेज़ तेज़ सी आवाज़, तो ये थोड़े से पनीर के पीस को अभी डाल देते हैं, और बस ये देखें ये नीचे लगने लगा है, बस ये चाहिए था हमें ऐसा ही। आवाज़ सुने आप इसकी, ये देखें आलू अपने आप ही टूटने लगा है। इस तरीके की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी ये, तो बस इसको कर लेते हैं हम डिश आउट, दिखाते हैं टेबल। ये देखें आप इसे ज़रूर से बनाएं, ये बहुत आसान है बनाने में, और आप चाहें तो इसको हल्का सा घोट भी सकते हैं, और चाहें तो इसी तरीके से खिला खिला भी रहने दे सकते हैं। पनीर को बहुत पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो बस हमारे तरीके से बनाएं। ये हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और डिश को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।